28 जून को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की मुख्य मस्जिद के सामने 37 साल के सलमान मोमिका ने कुरान में आग लगा दी। सलमान मोमिका ने अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कुरान जलाने की मांग की और उसे इजाजत मिल भी गई, लेकिन कुरान जलाने की इजाजत देना अब स्वीडन को भारी पड़ गया है। इन लोगों को आप देखें कि आजादी के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे किस तरह मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ये कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब। तो जिस खुदा को हम अल्लाह मान रहे हैं और क्रिएटर मान रहे हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है, उस पर हम जान देने के लिए तैयार हैं, तो हम ये बर्दाश्त कर लेंगे कि उस खुदा के कलाम को हमारी नजरों के सामने जलाया जाए? ये बर्दाश्त कर लेंगे हम क्या? हमें हर सच से मोहब्बत है, हमें खुदाई हर बंदों से मोहब्बत है। काश अगर तुम इस्लाम को जान लेते तो कुरान जलाना भूल जाते। क्या कहूँ, इंसानियत और सबर से मोहब्बत है, वरना तुम जैसे काफिरों को जड़ से उखाड़ कर कब का फेंक देते। लाख सहे मुसलमान तेरे सितम को, ओ बेगैरत बेदिन वाले, हमसे भी जरा बच के रहना कभी, क्योंकि दिल में खुदा को लिए घूमते हैं हम जैसे ईमान वाले। हम जिसके आगे झुकते हैं और डरते हैं, वो हमारे अल्लाह है। जालिमों, तुम क्या झुकाओगे और मारोगे और डराओगे? कितने आए फिराओ ना नमरूद, तुम खुद मिट जाओगे, फिर भी इस्लाम को ना मिटा पाओगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आमी शमीमा रा बेगम, अपनारा देखछेन बेगम मीडिया रिएक्शन। आशा करी भालो आछेन। आमार चैनल नतून थाकले सबस्क्राइब करे बेल बटनटाके प्रेस करे राखुन प्लिज। आजकेर भिडियोटा प्रतिटी मुस्लिमेर जोन्नो एकटा चैलेंज, हृदय कापानो भिडियो। সুইডেনে কোরআন পুরানোর নিউজটা হয়তো সকলে জানা হয়ে গেছে, কিন্তু আমার ভিডিওটা একটু আলাদা। শুধু অমুসলিম কাফেররাই যে এই জঘন্য কাজ করছে বা এদের কার্যকলাপকে শুধু দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় মানে ক্রাইং, স্যাড এই ধরনের ইমোজি লাগিয়ে আমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না। প্রতিবাদ করা দরকার প্রতিটা মুসলিম কান্ট্রিকে এবং মুসলিমদেরকে, এই বিচার নামা উচিত। তা না হলে কিয়ামতের মাঠে এই সমস্ত ওয়াজির, বাদশা, গভর্নমেন্টকে এবং আমাদের মতন সাধারণ মুসলিমকেও জবাবদায়ী হতে হবে। তো কোরআন পুরানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুফতি তারেক মাসুদ সাহেব একটি পাওয়ারফুল স্পিচ দিয়েছেন যে আমাদের মুসলিমদের কি করা উচিত, তাদেরকে কিভাবে আইনের আওতায় আনা উচিত। তো এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখে আপনারা অন্তত পক্ষে এতটুকুটা কাজ করবেন যা তারেক মাসুদ সাহেব বলছেন। উই মাস্ট পিস ইন ওয়ার্ল্ড, উই ওয়ান্ট টু এনি স্যাক্রিফাইস ফর ট্রুথফুল লাইফ, উই ওয়ান্ট টু লিভ অনেস্টলি ইন আওয়ার কান্ট্রি, উই ওয়ান্ট টু কিপ পিস ইন মাই কান্ট্রি অলসো। তো প্লিজ টেকস রেসপন্সিবিলিটি টু শেয়ার and protest against burning Quran in Sweden and other countries also. Please do something. Never we silent about Quran burning. So let's go start this video carefully. 28 जून को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की मुख्य मस्जिद के सामने 37 साल के सलमान मोमिका ने कुरान में आग लगा दी। इस घटना की पूरी दुनिया में निंदा हुई। सलमान मोमिका इराक का रहने वाला था जो 5 साल पहले भागकर स्वीडन में आकर बस गया। सलमान मोमिका ने अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कुरान जलाने की मांग की और उसे इजाजत मिल भी गई, लेकिन कुरान जलाने की इजाजत देना अब स्वीडन को भारी पड़ गया है। मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में स्वीडन के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की गई है। मामला बढ़ता देख अब स्वीडन की सरकार ने भी इस घटना की निंदा कर दी है, लेकिन स्वीडन की परेशानी इससे कम नहीं होगी। मुस्लिम देश स्वीडन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। OIC की बैठक में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत समेत सभी मुस्लिम देशों ने स्वीडन को मजा चखाने की बात की है। मोरक्को ने तो विरोध जताते हुए अपने राजदूत को अनिश्चित काल के लिए स्वीडन से वापस बुला लिया है। इस घटना के विरोध में ईरान ने स्वीडन में अपने नए राजदूत को भेजने से भी इनकार कर दिया है। सऊदी अरब ने भी स्वीडन के राजदूत को बुलाया है। इस पूरे मामले पर इराक का बयान भी सामने आया है।
कुरान जलाने वाला सलवान मोमिका इराक का ही रहने वाला था। इराक ने कहा है कि सलवान मोमिका कई साल पहले देश छोड़कर स्वीडन जाकर बस गया था। इराक का कहना है कि सलवान मोमिका के पास अभी भी इराकी नागरिकता है, इसीलिए उसे इराक को सौंप देना चाहिए ताकि इस व्यक्ति को सजा दी जा सके। अब इराक में इसे कैसी सजा दी जाएगी वो आप जानते ही हैं। OIC ने आपात बैठक के बाद एक बयान जारी करके कहा है कि OIC के सभी सदस्य देशों को साथ आना चाहिए ताकि कुरान जलाने वाले देशों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। OIC ने कहा है कि ऐसे देशों को रोकना जरूरी है। आपको बता दें कि स्वीडन के अलावा डेनमार्क में भी कुरान जलाने का मामला सामने आया था। जानकारी के लिए आपको एक बार फिर बता देते हैं कि ये पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ। दरअसल तुर्की के खिलाफ विरोध जताने के लिए सलवान मोमिका ने स्टॉकहोम्स में कुरान जलाने की इजाजत मांगी। स्वीडन की पुलिस ने इजाजत नहीं दी। उसके बाद सलवान मोमिका स्वीडन की कोर्ट में पहुंच गया। स्वीडन की कोर्ट ने इस व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुरान जलाने की इजाजत दे दी। उसी के बाद से ये बवाल मच गया है। स्वीडन की सरकार ने सलवान मोमिका को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब ये मामला जल्द ठंडा होने वाला नहीं है। स्वीडन में कोर्ट के सामने बाकायदा कुरान मजीद को जलाया गया है। मुसलमान कोई काम करते हैं, कोई जज्बाती पन दिखाते हैं जब, तो ये यूरोपीय कंट्रीज चीखते हैं कि ये मुसलमान जज्बाती होते हैं, मार धाड़ करते हैं, कत्ल व गारत करते हैं। उलमा उस कत्ल व गारत की भी मुखालफत करते हैं, लेकिन जो चीज़ फसाद का ज़रिया बनती है, मुसलमानों के जज्बात बरंगेख्ता करने का ज़रिया बनती है, वो चीज़ भी गलत है। देखो, इस्लाम ने हुक्म दिया, वला तसुब्बु अल्लज़ीन यदउऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बु अल्लाह अदवम बिगैर इल्म, कि तुम इनके झूठे खुदाओं को बुरा भला मत कहो, वरना ये भी तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे। हालांकि इस्लाम उनके खुदाओं को झूठा कह के भी कह रहा है कि इनको बुरा भला मत कहो। कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक कितनी जगह बुत परस्ती की मुखालफत है कि बुतों की इबादत मत करो, लेकिन फिर भी कुरान कह रहा है इस तरह से रद्द मत करो कि ये तुम्हारे खुदा को बुरा कहें। तो आप बताइए, जो मजहब किसी दूसरे मजहब का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं दे रहा, उसके बातिल होने के बावजूद कह रहा है इस तरह से रद्द मत करो कि वो तुम्हारे खुदा को या रसूल को बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो वो मजहब कितना पीसफुल होगा और वो कितना लोगों के जज्बात का ख्याल कर रहा है। और इन लोगों को आप देखें कि आज़ादी के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे किस तरह मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ये कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब। तो जिस खुदा को हम अल्लाह मान रहे हैं और क्रिएटर मान रहे हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है, उस पर हम जान देने के लिए तैयार हैं, तो हम ये बर्दाश्त कर लेंगे कि उस खुदा के कलाम को हमारी नजरों के सामने जलाया जाए? ये बर्दाश्त कर लेंगे हम क्या? ये कोई झूठे मजहब का मानने वाला तो बर्दाश्त कर लेगा जिसको अपनी किताब के अल्लाह की किताब होने का यकीन ना हो। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखो, कोई शख्स आपके सामने आपके बाप को मारपीट रहा हो और आप चुप खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? या तो ये आदमी बिल्कुल बेगैरत है, गैरत है ही नहीं इसमें, या ये कंफ्यूजन में है कि ये इसका बाप है भी या नहीं है। ऐसा ही है ना, कि पता नहीं, हो सकता है ये मेरे वालिद ना हो, उनकी शक्ल का कोई आदमी हो और मैं खामखा में इस जंग में कूद पड़ूं और ये बाद में पता चला कि ये मेरे अब्बा नहीं है। हम अगर कंफ्यूजन में होते ना कि ये किताब कुरान अल्लाह की है या नहीं है, तो हमारे जज्बात मुश्ताइल ना होते। कि मेरे भाई, हमें चढ़ते सूरज की तरह अहले इस्लाम को, अहले ईमान को यकीन है कि ये कलाम किसका कलाम है? अल्लाह का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पैगंबर हैं? अल्लाह के। और ये दलाइल की दुनिया में हम इसके कायल हैं, क्योंकि हमने तो इस्लाम में पैदा हुए हैं, हमने तो इस्लाम को अपनी आंखों से देखा है। यूरोपियन को क्या पता इस्लाम क्या है? वो तो पैदा ही ईसाइयत में हुए, कोई हिंदू घर में पैदा हुआ, कोई एथियस्ट के यहां पैदा हुआ, हम तो पैदा किस में हुए हैं? इस्लाम में। हमने तो इस्लाम का हुसन अपनी आंखों से देखा है, हमने फजर की नमाज देखी, हमने जोहर की नमाज देखी, हमने असर देखी, हमने मगरिब देखी, हमने ईशा देखी, हमने रमजान देखा, हमने हज देखा, हमने जकात देखी, हमने सिला रहमी देखी इस्लाम में। ये तमाम बातों का हमें कौन हुक्म देता है? कुरान। तो कुरान की सदाकत,
ला तकरबू माल अल यतीम, यतीम के माल के करीब ही मत फटको। ये 1400 साल पहले कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। ला तरिथुन निस ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसा करहा, ए ईमान वालो तुम औरत के माल जबरदस्ती नहीं खा सकते। ये विमेन राइट्स 1400 साल पहले कौन बयान कर रहा है? कुरान बयान कर रहा है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अजलाम, जुआ और शराब हराम है, हम जुआ नहीं खेलते, हम शराब नहीं पीते। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है। हम जिना नहीं करते, क्या जिना मुश्किल काम है इस जमाने में? बताओ, कितना आसान हो गया। मेजॉरिटी मुसलमानों की जिना नहीं करती, वो निकाह करती है, पूरी जिंदगी बीवी से वफा करती है। ये किसके कहने पे हो रहा है? तो जो मुसलमान कुरान के कहने पर इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो क्या वो कंफ्यूज होगा कि ये पता नहीं अल्लाह का कलाम है भी या नहीं? अगर वो कंफ्यूजन का शिकार होता तो इतनी कुर्बानी देता? तो यूरोपियन अखवाम को यह बात समझनी चाहिए कि मुसलमान की नजर में कुरान का जलाना हल्का मामला नहीं है। इससे दुनिया का अमन तबाह, क्या बेड़ा गरक हो जाएगा अमन का, मुसलमान आराम से नहीं बैठेगा। और वो हमारे कहने, हम नहीं बदमनी फैलाने के कायल हैं। हम तो वो जो वाकया हुआ था तौहीन रिसालत के मुर्तकिब को, जो तौहीन तो उस बेचारे ने की भी नहीं थे, जो स्टीकर फाड़ दिए थे उसने, उसको मुसलमानों ने वो गलत किया, उसको कत्ल करना बनता नहीं था। लेकिन जैसे यहां जज्बाती लोग हैं, हम उनको जज्बातीत से रोक रहे हैं कि दुनिया में बदमनी मत फैलाओ, तो ये यूरोपियन अकवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस जज्बातीत पर आप भी क्या करें, कंट्रोल करें, वरना ना मामला हमारे हाथ में रहेगा ना आपके हाथ में रहेगा। हिटलर ने जंग का आगाज किया था ना, वो भुगतना सारी दुनिया को पड़ा है, तो गलती किसकी थी? हिटलर की थी कि नहीं थी? खुदा की कसम उससे बड़ी जंग दुनिया में छिड़ सकती है अगर इस तरह से कुरान को जलाया जाता रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती रही। और उस जंग के हम जिम्मेदार नहीं है। हम थोड़ी कहते हैं लोगों से कि लड़ो और इस तरह कत्लो, हम तो कहते हैं भाई लीगल रास्ता इख्तियार करो, कानूनी रास्ता इख्तियार करो। तो जब गवर्नमेंट की सरपरस्ती में यह काम हो रहा होगा तो लोग लीगल रास्ते के लिए जाएंगे कहां? कहां जाएंगे लोग लीगल रास्ते के लिए? लोग फिर हमारी बात सुनेंगे कि अमन अमन से रहो और पुरअमन एहतजाज, लोग कहां सुनेंगे? तो हम तो अभी भी कहते हैं भाई पुरअमन एहतजाज करो आप, लेकिन आप भी वो काम करो कि दुनिया में अमन खराब ना हो। मुसलमान किसी कीमत पे भी पैगंबर की तौहीन, कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना मुमकिन है। यूरोपियन अकवाम को ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो ट्राई करके देख रहे हैं कि इनको होता क्या है। आप खेले नहीं भाई हमारे जज्बात से। हम कब कहते हैं कि आप कुरान पर ईमान लेकर आओ? हम कब कहते हैं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर समझो? ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम कहते हैं दीन में जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आपको हम कुरान जलाने नहीं देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने नहीं देंगे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तलाफ भी कर सकते हो, आपके मिशन पे इख्तलाफ करो, जैसे कि हमेशा से गैर मुस्लिम एतराज करते रहे हैं। एतराज करना अलग चीज है, तौहीन किसी कीमत पे मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इसका हल क्या है? तो पहला हल तो यह है कि आप जिस हद तक मुमकिन हो सोशल मीडिया पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इस एहतजाज का बड़ा असर पड़ता है दुनिया पे। वो जब देखते हैं ना कि सारे चुप करके खामोश बैठे हुए हैं, तो वो समझते हैं कि मुसलमानों में गैरत आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, खत्म। जिस हद तक भरपूर आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं आप रिकॉर्ड करवाएं। नंबर दो, जितना पुरअमन एहतजाज हो सकता है करें। मैं पुरअमन इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां बास जज्बाती लोग कहते हैं कि मौली साहब ये पुरअमन से काबू में आने वाले नहीं है। देखो, अगर आप बदमनी फैलाओगे ना, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं। कुछ फायदे तो हैं लेकिन साइड इफेक्ट क्या हैं? ज्यादा है। इससे होगा क्या? गैर मुस्लिम लोग कहते हैं कि तुम जब जज्बाती हो, तुम लोग जब ये कुछ कर रहे हो, तो हम फिर अगला स्टेप इससे भी बड़ा करेंगे। भी लाजिम है कि आप अपने हुक्मरानों पे दबाव डालें, क्योंकि हुकूमती लेवल पे जो काम किया जाता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो तमीज से काम होता है और उसका असर ज्यादा होता है। आवाम जब अपने तौर पर तोड़ फोड़ मार धार कत्ल गारत शुरू करती है, उसके फायदे कम होते हैं, साइड इफेक्ट उसके बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत घनावने नताइज होते हैं उसके। तो इसलिए अपने हुक्मरानों पे भी सोशल मीडिया पे दबाव डालें कि भाई आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे, हमारे सफीर को चाहिए आवाज उठाए, स्वीडन के सफीर से मिले, दबाव डाला जाए, यूनाइटेड नेशन में इस मसले को उठाया जाए कि हमारी नजर में यह मसला हल्का नहीं है। देखिए, जब हुकूमती सतह पर दबाव आएगा ना, देखो इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म शुरू हुआ,
जब सऊदी अरब ने दबाव डाला तो जुल्म में कमी आई, फिर जब सऊदी अरब की तरफ से दबाव कम होता है फिर जुल्म बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट लेवल पे जो काम होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन गवर्नमेंट जमहूरी है वो जब ही करती है जब पब्लिक पब्लिक का दबाव होता है। पब्लिक का दबाव नहीं होगा तो हुकूमत भी आराम से बैठ जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह यू गिव देम हिदायत और डिस्ट्रॉय, एज यू लाइक अल्लाह, यू नो बेटर। टेक केयर, जजाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।